السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرين میرا نام ترزا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرزا اسٹوڈیو جو کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں فلم ورک میں کہ ہم نے آج سے کچھ 6 منتھ پہلے آج سے 6 مہینے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائے تھے آئی ایم او رینجر 2 ورسز اپنا اس کا کیا کہتے ہیں اسے ازویز کا سی سکس سی این یہ دونوں کے ورسز ہم نے ایک ویڈیو بنائے تھے جو کہ الحمدللہ جس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں یہ कि दोनों में से बेटर कौन सा है क्योंकि मैंने उसके सिर्फ स्पेसिफिकेशंस बयान की थी उसके स्पेसिफिकेशंस बताए थे लेकिन लोगों ने पूछा है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है तो वही बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और इस क्या करना है मालूम है ना वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना आगे ऐसी नेक्स्ट अपडेट के तरीका है भीख मांगने का तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है ये दो कैमरों में आपको लेना कौन सा चाहिए ये डिपेंड करता है आपके खुद पर निर्भर है ये चीज तो फिलहाल में प्रॉब्लम ये है ना रेंजर 2 और इसवी C6N दोनों के अंदर कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस है जहां पे रेंजर 2 की बात की जाए क्वालिटी के मामले में और वीडियो क्वालिटी के बारे में ये बेहतरीन चीज है क्योंकि इसमें H265 का आपको वर्जन मिल जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है H265 की जो कि एक कम इसके अंदर कम में क्या कहते हैं इसे कम एमबी खर्च करते हुए ज्यादा क्वालिटी दे देता है और वहीं पर अगर हम C6N की बात की जाए करें तो ये एमबी भी ज्यादा लेता है और वीडियो भी क्वालिटी थोड़ी सी कम कर लेता है ठीक है तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वालिटी को लेकर तो नहीं बिल्कुल भी नहीं क्वालिटी को लेकर हम आप बात करने वाले हैं आज कनेक्टिविटी को लेकर तो ये हमारा ASUS का C6N जो है हमारा इसके अंदर एक प्लस पॉइंट हमें ये मिल जाता है कि अगर आप राउटर कनेक्ट नहीं करना चाह रहे मतलब कि आप ये राउटर या फिर ये वाला कॉफे का राउटर यानी कोई भी 4G सिम राउटर अगर आप इसे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे नहीं लगाना चाह रहे तो आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो इसका C6N रहेगा क्योंकि आप अगर लैंडलाइन देखना चाह रहे हैं कि आप जहां पर रह रहे हैं वहीं पर आपका कैमरा लगा हुआ है और जहां पर कैमरा लगा हुआ है आप वहीं पर आप मोबाइल के अंदर व्यू लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बेस्ट इसका C6N रहेगा और अगर जहां पर बात की जाए हमारे इस 4G कॉफे राउटर या कोई भी 4G का राउटर हो गया तो 4G का कॉफे तो नहीं है ये एक मैस्टेल का राउटर है कुछ इस तरह से चलो इसके तो मैं नहीं बताऊंगा ये 4G राउटर है 4G राउटर कोई भी रहने दो या कोई भी किसी तरह का इंटरनेट कनेक्शन अगर आप 24 hours लाइट दे सकते हो तो आप बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप इसका रेंजर 2 लो क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ और प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि C6N के अंदर नहीं मिलते कनेक्टिविटी को छोड़कर ठीक है क्या कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आपके लिए ये वाला बेस्ट रहेगा बेस्ट क्या एकदम मेरे लिहाज से तो एकदम बढ़िया रहेगा और इसी तरह से सेम है इनके दूसरे मॉडल्स में भी जैसा कि दावा का CU2 जिसको कहते हैं CUE2 ये वाला भी सेम रहेगा उसके अंदर भी आपको यही प्रॉब्लम देखने मिलेगी कि आपको उसको 24 hours से इंटरनेट कनेक्शन प्लस लाइट देनी पड़ेगी तभी वो एज वेल एज बेस्ट रहेगा क्योंकि उसके अंदर आपको लैंडलाइन व्यू का ऑप्शन नहीं मिलता हाँ अगर आप उसको ये कर सकते हैं कि जहाँ आप वहां पर है आपको वहां के वहीं देखना है तो आप अपने खुद के मोबाइल का हॉटस्पॉट छोड़ के देख सकते हैं इसको भी ठीक है ना वो भी चल जाएगा चलता है वो भी जहां पे बात की जाए इसकी तो इसको आपको इंटरनेट की बिल्कुल भी नीड नहीं रहती ये कैमरे को लेकिन इसको आपको इंटरनेट की नीड रहेगी लेकिन इसको आपको इंटरनेट की बिल्कुल भी नीड नहीं रहेगी ये 1 रुपये का आपसे इंटरनेट नहीं रहेगा क्योंकि 1 रुपये कैसे कह रहा हूँ कि 1 रुपये का इंटरनेट में फिलहाल में जियो ने 100 MB देना शुरू किया था कुछ दिन पहले आप तो पता नहीं क्या है तो ये इसके अंदर आपको इंटरनेट की बिल्कुल भी नीड नहीं रहने वाली ठीक है यहाँ पर आप डायरेक्ट C6N या तो फिर हमारा इज़विस का C1C ठीक है ना ये दो कैमराज और इज़विस के कुछ ऐसे कैमराज बहुत सारे कैमराज हैं इज़विस के जिसके अंदर आप लैंडलाइन व्यू डायरेक्टली आप देख सकते हैं विदाउट इंटरनेट के लेकिन उसके अलावा डिफरेंस इसमें अगर इसकी बात की जाए तो इसको आपको इंटरनेट देना पड़ेगा विदाउट इंटरनेट के लैंडलाइन व्यू के तौर पर ये वाला कैमरा आपका वर्क नहीं करने वाला क्योंकि इसके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी लैंडलाइन व्यू का ऑप्शन नहीं है रहते हुए भी आपको लैंडलाइन व्यू का ऑप्शन तभी मिलता है इसके अंदर सपोर्ट है मोबाइल में सॉरी क्योंकि
इसके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी जो लाइन एंड व्यू का ऑप्शन है वहां पर भी अगर आप इसे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर भी ये वाला कैमरा आपको इंटरनेट आपके मोबाइल पर देना ही पड़ता है, क्योंकि लाइन एंड व्यू पर आपके जो कनेक्ट होता है ना मोबाइल से, वहां पर आपको बोलता है वो कि जो कनेक्टेड है राउटर से, कैमरा जिस राउटर से कनेक्टेड है, फर्ज कीजिए कि ये कैमरा इस राउटर से कनेक्टेड है, तो इसका जो SSID आपके मोबाइल में वाईफाई आ रहा है तो वो वाला वाईफाई आपके मोबाइल से कनेक्ट होगा, तभी वो कैमरा आपके मोबाइल में शो होगा, जिसके मतलब कि उसमें आपका इंटरनेट जा ही रहा है। लेकिन वहीं पर बात की जाए इसकी तो यहाँ पर आपको शून्य का इंटरनेट मिलता है, मतलब कि कुछ भी इंटरनेट नहीं लगता यहाँ पर, समझिए। बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपने हमारी डिफेंस की टोटल फुल वीडियो नहीं देखी, इसका C6CN और दावा का रेंजर 2 IMOU का रेंजर 2 की अगर आपने फुल वीडियो नहीं देखी और साथ साथ तो आई बटन में लिंक आ रही होगी, आई बटन किधर इधर 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 चलो जिधर भी है जहन में नहीं मेरे में किधर भी फिल्म में होंगी हाँ इधर होगा, जो आई बटन के अंदर भी फिल्म में लिंक आ रही होगी, आप वहां पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।